बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादर का सलाम। पाकिस्तान की सियासत के कुछ अहम और बड़े फैसले अब चंद घंटों की दूरी पर हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला कल आने जा रहा है और जमानत से एक दिन पहले बल्कि चंद घंटे पहले हुकूमत ने पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की है। और आज शहबाज शरीफ साहब ने ऐवान में जाके क्या किया, किस तरह से हैंडशेक हुए, क्या मनाजर थे, उसके ऊपर भी बात करनी है। और इन सारे मनाजर के बाद अब आवाम के जहन में एक ही सवाल है कि क्या इमरान खान रिहा होने वाले हैं। हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है मगर हुकूमत का एक वज़ीर इमरान खान को मज़ीद जेल में रखने के लिए ख्वाहिश का इजहार कर रहा है। एक तरफ इमरान खान की रिहाई के लिए पार्लियामेंट से लेकर सूबाई असम्बलियों के बाहर तक एहतजाज हो रहा है, दूसरी जानब ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी भरपूर किस्म के डेमॉन्स्ट्रेशन करते दिखाई दे रहे हैं। और फिर आज अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात की तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया है। ये एक अहम स्टेटमेंट है या एक अहम करारदाद है जो अमरीकी कांग्रेस की जानब से मूव की गई। उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशस्तों का केस कल फिर से टेकअप होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले पीटीआई ने की है एक स्मार्ट मूव। आज एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। ये सारी तफसील एक एक करके ज़रा डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कल होने वाले केसेस की तफसील के हवाले से। चंद घंटों के बाद सबकी नज़रें इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब होगी, क्योंकि अफजल मजोका की अदालत से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के इद्दत में निकाह केस का जो जमानत का फैसला है वो आने वाला है। बरियत का बाद में आएगा, लेकिन जमानत का फैसला जो दो दिन पहले महफूज हुआ था अब कल वो सुनाया जाने वाला है। और सबको ये लगता है कि इस केस में अब उनकी जमानत होने वाली है, क्योंकि इस केस को जिस तरह से चलाया गया, जैसे गवाहान है और जिस किस्म का ये केस बिल्डअप किया गया, वो नैरेटिव बन ही नहीं पाया। शुरू से लेके आखिर तक कुछ नहीं निकला सिवाय खावर मानिका के एक मुलाजम लतीफ़ की गवाही और फिर ओन चौधरी की गवाही के अलावा। एनीवेज, अब जमानत का फैसला तो आने वाला है, लेकिन उससे चंद घंटे पहले आज ही के दिन हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश की है। शहबाज शरीफ ने आज ऐवान में तकरीर की और अपनी तकरीर के इख्तितामी लम्हात पर उन्होंने ओपोजिशन की जानिब इशारा करते हुए, यानी जो पीटीआई के लोग हैं या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, उनको कहा कि मैं इनको भी कहता हूं कि अगर बानी पीटीआई को जेल में कोई शिकायत है या मसाइल हैं तो आए बैठकर बात करते हैं, हम नहीं चाहते कि इनके साथ वो हो जो हमारे साथ हो चुका। मैं उनकी तकरीर सुनने के बाद ये सोच रहा था कि मतलब अभी भी इतनी करेज है इनमें कि ये बराहे रास्त भी ये क्लेम कर देते हैं कि जो हमारे साथ हो चुका वो किसी और के साथ नहीं हुआ। लेकिन दर हकीकत जो पीटीआई के साथ इस वक्त पिछले दो सालों में हुआ और बिलखसूस एक डेढ़ साल में, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना। मतलब वो तो बियॉन्ड लिमिट्स चला गया सारा मामला, इसकी तो कहानियाँ खुलेंगी और मैं ये दावे से कहता हूँ इसके ऊपर कई किताबें लिखी जाएंगी, कहीं ना कहीं ये तारीख के औराक में आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि क्या हुआ। एनीवेज, तो उनकी बात से मतलब उन्होंने आखिर में जाते जाते ये कहा कि बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं है और फिर वो अपनी नशिस्त पर बैठ गए। दैट मींस कि वो अपोजिशन रहनुमाओं को ये कह रहे हैं कि बातचीत करें, बल्कि वो गए अपनी नशिस्त से उठ के, जाके हाथ भी मिलाया, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। अब उनकी बात के दो मायने हैं, एक तो ये कि हो सकता है मुस्तकबिल करीब में इमरान खान की रिहाई की तरफ मामला जाता देख रहे हैं और फिर अभी मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है। दूसरा ये कि इतनी जल्दी अभी उनकी रिहाई अभी भी नहीं हो रही, क्योंकि अगर ये तय हो जाता कि कल अगर जमानत हो जाती है तो फौरी तौर पर इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी, तो फिर तो आज उनको ये बात करने की ज़रूरत नहीं थी कि अगर उनको कोई मसायब हैं जेल में तो आए बैठकर बात कर ले। दैट मींस के बात करने का इसलिए कह रहे हैं कि अभी कुछ देर ये सेशन जेल वाला लंबा चलने वाला है। बहरहाल ये तो बाद की बात है, लेकिन उनकी बातों से तो लग रहा है कि हुकूमत कोई मफाहमत या बातचीत चाहती है। लेकिन हुकूमत के वज़ीर राणा सनाउल्ला की आपने बात सुनी, वो इमरान खान को मज़ीद जेल में रखने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। टीवी चैनल पर कल सबने सुना जब वो कह रहे थे कि कोई नया केस भी बन सकता है, कोई तलाश भी किया जा सकता है और कोशिश होगी कि वो जितना अरसा जेल के मेहमान रहे अच्छा है। दैट मीन्स कि जो केसेज अब तक बनाए गए उनमें कुछ भी नहीं था, ये भी इसी तरह से तलाश कर करके ही बनाए गए थे। कुछ था नहीं लेकिन तलाश किया गया, कुछ था नहीं तो तोशाखाना ढूंढा गया, कुछ था नहीं तो साइफर के ऊपर केस बना, वरना ये तो फौरी बन सकते थे उसी वक्त। तो बहरहाल बहुत टाइम के बाद सारी कानूनी टीम की दौड़े लगा लगू के ये सारा कुछ सोचा गया, प्लान किया गया। अब जो वो इमारत बनाई थी 172 मुकदमात की कि 200 मुकदमात की, वो तो ज़मीन बोस हो रही है। तो अब आके मुज़ाकरात की तरफ जा रहा है मामला, लेकिन पीटीआई ने भी शहबाज शरीफ की पेशकश को मशरूत अंदाज में एक तरह से मुस्बत जवाब दिया है कि
हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन शरायत दो हैं, पहली इमरान खान बाहर आएंगे बात तब होगी, और दूसरा मैंडेट वापस करो। तो इमरान खान साहब की बात ठीक है कि मैंडेट वापस करने के बारे में जिक्र करते हैं, दैट मीन्स कि हुकूमत का खात्मा, हुकूमत जाली मैंडेट के बगैर कायम नहीं रह सकती, तो इसलिए वो मैंडेट जब इनसे हट जाएगा तो फिर तो अक्सरियत ही नहीं रहेगी, फिर तो सीटें ही नहीं रहेंगी, 17 सीटों पर तो हुकूमत नहीं बन सकती। तो मैंडेट की मुकम्मल वापसी होगी नहीं होगी वो पता नहीं है, लेकिन जुज़वी वापसी के लिए यानी वो जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उसकी वापसी के लिए कल फिर सुप्रीम कोर्ट में शोडाउन शुरू होने जा रहा है एक दिन के वक्फे के बाद, और कल से फिर काजी फैज़ ईसा केस सुनने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले पीटीआई ने की है एक स्मार्ट मूव, और सुप्रीम कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि मखसूस नशिस्तों के इस केस में, जो कि दर हकीकत सुन्नी इतिहाद कौंसिल का केस बनता है, उसमें पीटीआई ने भी फरीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी है। बैरिस्टर गौहर की जानिब से यह दरख्वास्त दायर की गई है, और उसमें कहा गया है कि इस केस की कार्रवाई के दौरान, समाअत के दौरान, इलेक्शन कमीशन की जानिब से बार बार तहरीक इंसाफ पर कुछ इल्ज़ाम लगाए गए हैं जो बेबुनियाद है, और हकीकत यह है कि पीटीआई को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की इजाज़त ही नहीं दी गई, लिहाजा पीटीआई को एक बार फरीक बनाया जाए ताकि पीटीआई खुद अपना मौकफ बता सके। अभी तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सुना जा रहा है, तो देखते हैं इसके ऊपर काजी फैज़ ईसा साहब की अदालत क्या करती है। दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाई का मामला, वो बिल्कुल डाउन होने को आ ही नहीं रहा, क्योंकि उसके ऊपर हर तरफ बात हो रही है। आज आपने देखा कि उनकी रिहाई के लिए जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं उनका एहतजाज जारी रहा, दो दिन पहले यहाँ पर ये स्ट्रीक शुरू की गई पार्लियामेंट के बाहर, और अब ये पंजाब असम्बली तक पहुँच गई, और पंजाब असम्बली में आज एहतजाज हुआ। फिर हमने देखा अदलिया आज़ादी का जो कन्वेंशन था, जो वकला के लिए था, उसमें पीटीआई की लीडरशिप ने शिरकत की, और वो कन्वेंशन जो था वो इमरान खान की आज़ादी का कन्वेंशन बन गया, या इमरान खान की रिहाई के मुतालबे का कन्वेंशन बना। और फिर उसी कन्वेंशन में तकारीर हुई कि हम इमरान खान के लिए तहरीक शुरू करेंगे जीपीओ से, और फिर वकला ने अपनी रैली शुरू की, और सख्त गर्मी में, सख्त तपश में ये लोग बाहर निकले, एक पूरा मोमेंटम जो है वो क्रिएट हुआ। तो हमने देखा कि ये सिलसिला जो है, ये इनलैंड हो या ओवरसीज़ हो या कोई पाकिस्तानी ना भी हो, मतलब यहाँ पर तो एहतजाज हो ही रहा है। फिर कांग्रेस में आज जो हुआ उसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं, तो ये कन्वेंशंस और रैलियों का सिलसिला जारी है। फिर आज एक अमन कन्वेंशन भी हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि एक जरगा बुलाया गया था मुमकिन ऑपरेशन के हवाले से कबायली अमायदीन की राय लेने के लिए। तो तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम इस अमन जरगे ने जो मुमकिन ऑपरेशन है उसको फ़िलहाल मुस्तरद किया है, और एक ऐलामिया जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है कि 50 सालों से इस इलाके को जंग में रखा गया है और मुतअद्दिद ऑपरेशन किए जा चुके हैं जिससे कोई नतीजा नहीं मिला, लिहाजा हमें मजबूर ना किया जाए कि हम आलमी अदालत जाएँ। अब ये एक बहुत बड़ा ऐलान या बहुत बड़ा स्टेप है, बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है। वफाकी हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया कि हमायत मिले ना मिले ऑपरेशन जारी रहेगा। अब आ जाइए ज़रा अमरीकी कांग्रेस की तरफ, जो मैंने पहले जिक्र किया, आज की एक अहम खबर भी है, एक अहम हाईलाइट भी है, और मीडिया के ऊपर भी काफ़ी चर्चा है इसका, क्योंकि अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तहकीकात का मुतालबा किया है। अमरीकी सैनेटर्स ने एक करारदाद पेश की है अपने आह्वान में, और उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में अवाम की जमहूरियत में शिरकत को दबाया गया है, जो इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं वो भी रिपोर्ट किया गया, और इसमें जो मौजूदा स्नैरियो है इसमें जिम्मेदारी हुकूमत पर डाली गई है कि हुकूमत को इस चीज़ का ख्याल रखना था, और इंसानी हकूक़ के साथ साथ कानून की हुक्मरानी को भी बरकरार रखना था। तो ये सारा एक अमरीकी कांग्रेस की करारदाद में लिखा गया है, जिसका बहरहाल इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। आज की एक और अहम हाईलाइट ऐवान में देखने में आई, जब पीटीआई को आईएमएफ का ताना देने वालों ने आईएमएफ के साथ मिलकर बजट बनाने का एतराफ़ कर लिया। हालांकि कहते हैं कि हमारे पास बेहतरीन मुआशी टीम है, हम किसी से डिक्टेशन नहीं और पता नहीं क्या क्या, लेकिन आज एतराफ़ किया ये बजट किसकी डिक्टेशन पर बनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि जनाब आईएमएफ के साथ मिलकर ये बजट बनाया गया है। तो इसके ऊपर जो पीटीआई के लेदे हो रही थी, जब पीटीआई आईएमएफ के साथ इंगेज थी, तो क्या क्या बयान आ रहे थे सहाफ़ियों के, तज़िया निगारों के, एंकर्स के, किस किस्म के बयान आ रहे थे आईएमएफ को लेकर। और आज के दिन आप मुनाफ़िकत का अंदाज़ा करें कि जब आज आईएमएफ की बात होती है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इस तरह से ये बातें करते हैं। एनीवेज आज मौलाना फजलुर रहमान ने भी बजट इजलास में शिरकत की है, और टैक्सों की जो भरमार है इस वक्त उस पर उन्होंने काफ़ी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है, और ये कहा कि अगर कौम को उनके हकूक नहीं दे सकते तो आप टैक्स वसूल भी नहीं कर सकते, और ये भी कहा कि आवाम को आप लोगों पर एतमाद नहीं है।
लेकिन फिर साथ ही शहबाज शरीफ के साथ वो हाथ छात भी मिलाते हैं, अच्छे खुशगपियों के माहौल में भी नज़र आते हैं। लेकिन ओवरऑल उन्होंने शहबाज शरीफ की ऐवान में बैठ के जो की है वो उन्होंने कहा कि दौरा चीन जो है उस पर वो गए, और फिर उसके बारे में मौलाना फजल रहमान ने जो कहा वो आप सब ने सुना। उन्होंने तो कहा कि जनाब ये कोई दौरा सरमायाकारी के लिए जिस तरह से गए थे उस तरह से अचीवमेंट हासिल नहीं कर सके या कामयाब नहीं हो पाए। और फिर चीनी वजीर ने पाकिस्तान आकर कहा कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं है, तो बताएं ऐसे हालात में सरमायाकारी कैसे आएगी। तो ये मौलाना के अल्फाज हैं। खैर, दूसरी तरफ मौलाना की और पीटीआई की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। 3 दिनों में दूसरी मुलाकात हो चुकी, अब मेरा ख्याल मामलात फाइनल मरहले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।